So we talk about the 10th February of important current affairs. Guru Ravidas ji ki main baat kare to North India mein bhakti movement mein unhone kafi important role diya tha. Unki jo kavita kahaniyan hain jo bhi hai unke adi granth aur panchvani ke andar mention ki gayi hain. Unke jo guru the wo the Ramanand ji, unke competition mein the ya contemporary the Kabirdas ji, unki cheli thi Mirabai. ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने बेगमपुरा कोई कॉन्सेप्ट बनाया था जहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, कोई सब लोग सुखी रहेंगे और समथिंग लाइक दैट. उन्होंने फिर वो कास्टिज्म का विरोध किया एंड ऑल. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बयान दिया है कि भाई रिजर्वेशन में प्रमोशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 16(4) के अंदर कुछ कमेंट वगैरह दिए हैं उन्होंने. सो अपने को इसमें कोई रिजर्वेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इंदिरा सहाने केस भी हुआ था बराड़मे के अंदर, जिसमें बताया गया था कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन इज़ नॉट नेसेसरी. सो स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू गिव द प्रमोशन इन द एसटीएससी फॉर द प्रमोशन में रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं दिशा लॉ जो अपन बात करें. आंध्र प्रदेश ने कुछ निकाला है तो अपने फालतू का अपने कोई काम का नहीं है, वी कैन सेफली स्किप. नेक्स्ट चलते हैं विजिलेंस विंग जो है अभी बनाई गई है जो हेल्थ को ध्यान रखेगी केरला के अंदर. इट्स ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी कैन सेफली स्किप. मुक्तोश्री जो है एक आर्सेनिक रेजिस्टेंट राइस बनाया गया है. तो ये अभी क्या है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है वेस्ट बंगाल के साइड में, तो उसके लिए कुछ बनाया गया. दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आर्सेनिक से कैंसर वगैरह हो सकता है, ये सब छोटे बच्चों को भी पता होता है. नॉट इंक्लूडेड. माउंट अकॉन्कागुआ जो है वो आपके अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के अंदर है, तो आपको ध्यान में रखना है. और इसके अंदर 7 समिट जो हैं वो आपको ध्यान रखना है कि 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर आते हैं ये, तो अगर ये याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पंगोलिन की बात करें तो पंगोलिन जो होता है वो उसमें कोरोना वायरस हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं. ये एक तरह का मैमल होता है जो साइट्स ने बोला है कि इट इज़ इलीगल, ट्रेड नहीं कर सकते आप इसका. इसके अलावा चाइनीज़ जो होता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, चाइनीज़ पंगोलिन. लेकिन जो इंडियन पंगोलिन है वो एंडेंजर्ड ही ओनली, इसको कैटेगरी 1 के अंदर रखा गया है 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में. नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिक क्विज हिस्ट्री की अपन बात करते हैं. पबना जो है बेसिकली एक क्षेत्र हुआ करता था ईस्ट बंगाल के अंदर. 73 के अंदर क्या होता कि वहाँ पे जमींदार जो है वो बहुत ज़्यादा शोषण किया करते थे, बहुत ज़्यादा रेंट लिया करते थे, इसलिए विरोध हुआ था. इंडिगो रेवोल्यूशन इसलिए हुआ था 59 के अंदर क्योंकि वहाँ पर हार्श कंडीशन थी, मतलब किसानों को खेती करने नहीं दिया जाता था या कोई दूसरी खेती नहीं कर सकते थे वगैरह वगैरह. तो ये तो कोई कॉमन सेंस वाला वो क्वेश्चन है. पॉलिटिकल्स कौन कौन से संस्था हैं तो वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, कब बनी कब नहीं बनी, तो जो फेमस है वो याद रख लो, बाकी सब याद रखने की जरूरत नहीं है. सत्याग्रह जो है रॉलेट एक्ट के टाइम पर क्या है कि गांधी जी ने बोला था कि मैं सत्याग्रह करूँगा. क्यों करूँगा? ठीक है, 1919 के अंदर जो है रॉलेट एक्ट आया था और उस रॉलेट एक्ट के अंदर क्या हुआ था कि आपके जितने भी प्रिजनर्स थे उनको जेल में डाल सकते हैं बिना ट्रायल के. ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया था. हालांकि रेडियो और जो न्यूज़पेपर है उसको बैन करने के लिए, न्यूज़पेपर के लिए एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए. 1940 की अपन बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम चल रहा था तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लिंगलिखित जो था उसने बहुत सारे गलत गलत प्रॉमिस किए थे इंडिया से, जैसे हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे और वॉइस राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये आप इसको बराबर क्या मान सकते हो पार्लियामेंट का जो आज का कैबिनेट है उसके बराबर मान सकते हो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे पार्लियामेंट की कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके जो मंत्रीगण होते हैं. तो उसने बोला था कि जो कैबिनेट होगी या जो काउंसिल होगी उसके अंदर हम लोग इंडियंस को मेजोरिटी के रूप में डालेंगे, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, कोई भी फैसला हम करेंगे वो माइनॉरिटीज़ को पूछ करके करेंगे. और फर्स्ट टाइम ऐसा अधिकार दिया गया था कि इंडियंस जो हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. दिल्ली प्रपोजल है 1927 के अंदर आया था, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि मद्रास सेशन जब हुआ था उसमें क्या है कि मुसलमानों को जॉइंट इलेक्ट्रल रिजर्वेशन दिया गया था. इसके अलावा मुस्लिम जो थे उनको 1/3 सीटें भी दी जाएगी और 3 न्यू मुस्लिम प्रोविंसेस बनाई जाएगी बलूचिस्तान फलाना ढिमका, तो ये सब मुस्लिमों के फेवर में एक कहानी है. ईस्ट एशिया ऑब्जर्वेटरी जो है वो अपने का खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया जो है इसका एक हिस्सा है, तो वी कैन सेफली इसकी रोज़ आता रहता है ये सब कुछ. ये मैसूर वैसूर ये सब नाटा वाटा ये भी रोज़ आता रहता है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के नाम से पता चलता है कि कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि भी जो फार्मिंग है, जो लैंड जो ज़मीन जो है जहाँ पे पेड़ जो हैं
ख़त्म हो चुके हैं उनको पेड़ों को वापस लगाना है। और इसके अंदर क्या है कि क्रॉप जो आपके लाइव स्टॉक होती है उसका भी यूज़ करना है ज़मीन के ऊपर। तो इट्स ए वेरी नॉर्मल थिंग, इसको सेफली स्किप कर सकते हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं डिटेलिंग में। अंदर आर्टिकल 29 जो है इसमें बताया गया कि लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। तुलु जो एक द्रविड़ियन लैंग्वेज होती है जो कि कर्नाटक के केरला में बोला जाती है, मणिपुरी संस्कृत जो है वो पार्ट शेड्यूल 8 के अंदर ऐड की गई है, तो यू शुड नो इट्स इम्पोर्टेंट। नेशनल पोलर और रिसर्च के नाम से पता चलता है कि भाई रिसर्च करते होंगे अपन। हिमालय के अंदर रिसर्च का नाम है हिमांश, और फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। इसमें अपन आर्टिक और अंटार्कटिक दोनों जगह पर रिसर्च कर सकते हैं, तो इट्स नॉट बिग डील, कॉमन सेंस की बात है। स्ट्रॉम सियरा कुछ आया है ये किंगडम यूनाइटेड एंड किंगडम के अंदर, नॉट इम्पॉर्टेंट। प्री प्रोपेगेटिव जो भी आई है आपके, जितने भी आर्टिकल 32 के अंदर जितने भी वो आती है आपके रिट लगाना, वो आपको ध्यान में चाहिए। मंडम मची वो फलाना रिम का, तो लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर लेना, नॉट बिग डील। इंडियन पगोलिन जो है वो आपके वेस्टर्न घाट के अलावा भी इंडिया में कई जगह पाया जाता है और एंडेंजर्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। और मुदुमलाई जो है वो आपके तमिलनाडु के अंदर है, दैट्स फाइन। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहते हैं, सबको पता ही है। पेनेथ्रा जिसमें कौन कौन से आते हैं, कोई काम का नहीं है अपने। सो दिस इज़ अवर न्यूज़ फिनिश, थैंक यू।